हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। ज्ञानी वाल्मीकि और जगदीश वाल्मीकि जी, महावीर टेलर जी, और इसके बाद जो है हमारे भाई जिन्होंने इस गांव का जो है नाम रोशन किया, जिस तरह से योगेश्वर जी ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, और इस पूरे हरियाणा का नाम रोशन करने वाले भाई संदीप जी जो कबड्डी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और रामदिया कौच जी और संदीप जी, ये मिलकर जो है पगड़ी से इनका मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाई विजेंद्र नरवाल जी, राम निवास जी और कलेश्वर जी, तो चुनाव प्रचार के लिए कथुरा गांव पहुंचे हैं सीएम, जहां उनका सम्मान किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, आज से सीएम ने बड़ौदा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। 3 नवंबर को यहां चुनाव है, और उसी को लेकर आज से सीएम ने खुद कमान संभाली है, प्रचार अभियान की कमान संभाली है। और आज करीब 5 गाँव का दौरा करेंगे और यहां चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही है। इसके अलावा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। एक तरफ कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कमान संभाली है, तो अब खुद सीएम ने बड़ौदा में योगेश्वर दत्त को जीत दिलाने के लिए कमान संभाली है, और आज 5 गांव में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो सीएम कथुरा गांव पहुंच चुके हैं, जहां थोड़ी देर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले सीएम को यहां सम्मानित किया गया। विजय संकल्प सभा में सीएम मनोहर लाल मौजूद हैं, यहां पर जनता को संबोधित करेंगे और योगेश्वर दत्त के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। 3 नवंबर को यहां वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले सारी पार्टियां ताकत झोंक रही हैं ताकि इस बड़ौदा के उपचुनाव को अपने पाले में लाया जा सके, जीता जा सके, यहां अपना परचम लहराया जा सके। एक तरफ कांग्रेस यहां चौथी बार जीत दर्ज करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी यहां योगेश्वर दत्त को जीत दिलाने के लिए प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, ताकि एक तरफ योगेश्वर को जीत मिले तो दूसरी तरफ यहां से खाता खुल जाए बीजेपी का और शुरुआत हो जाए। गठबंधन के इस कैंडिडेट को जहां ताकत देने का काम किया, वहीं योगेश्वर भाई, हमारा पहलवान भाई जो है हिंदुस्तान की शान जो है, उसकी जीत को निश्चित से सुनिश्चित करने का काम कथुरा गांव की इस पार्टी पर पहुंच करके किया है। मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ से, दुष्यंत जी की तरफ से,
मेरे इस अपने गांव का, मेरे परिवार का बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका, बहुत धन्यवादी हूं आप सबका आभारी हूं। और विशेष तौर पर मुझे हम सभी नेताओं को और मुख्यमंत्री जी को विश्वास सूचक 36 बिरादरी की पगड़ी पहनाकर, और पगड़ी हमें नहीं बल्कि ये जीत का सहरा आपने योगेश्वर पहलवान के सिर पर बांधने का काम किया है, मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपका शुक्रगुजार हूं। आज तो 29 तारीख हो गई, 3 तारीख को वोट डलने, अब तो केवल मात्र 2-3 दिन की बात बाकी है, चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आज के हालात देखकर और पिछले एक हफ्ते से मुख्यमंत्री जी मुझे भी तो लगातार बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां रैलियां जो है वो तेज कर दी हैं, और इसी के क्रम में आज सीएम ने भी कमान